फाइनली हमारे मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। अब जैसे दोस्तों फिंगर सेंसर पे अपना फिंगर टच करेंगे तो हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 12 प्रो प्लस मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाएगा। दोस्तों आपके मोबाइल में ऐसा कुछ फीचर नहीं दिया गया जिससे आप यानी कि दोस्तों आप अपने मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाओ। दोस्तों आपके मोबाइल में जो फिंगरप्रिंट है वो साइड में है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप डिस्प्ले पे आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाओगे। आपको यहाँ पे फिंगर सेंसर दिखाई जाएगा, उस पर टच करोगे तो आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लग जाएगा। दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको स्क्रीन लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी लॉक स्क्रीन पासवर्ड पैटर्न डाला वो आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ओके कर दोगे आपके मोबाइल का सारा स्क्रीन लॉक हट जाएगा, आपका मोबाइल विदाउट स्क्रीन लॉक का हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का सारा स्क्रीन लॉक हटा देना है। अब इतना करने के बाद आपके यहाँ से बैक आना है। अब दोस्तों आपके यहाँ पे आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन रहेगा थीम नाम से, तो थीम एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ऊपर यहाँ पे सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है कूल एक्स यू आई, कूल एक्स यू आई ये दोस्तों लिख के आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कर दोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पे पहले नंबर पे ये वाला आ जाएगा थीम। तो दोस्तों इस थीम को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मैंने पहले से डाउनलोड किया है तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। आपको पहले यू करेगा तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर जो लाइनिंग है ये 100% हो जाएगी। बस आपके मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल को लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद यहाँ से देख सकते हो कितना फिंगर सेंसर दिखाई दे रहा है, और जैसे इस फिंगर सेंसर पे आप अपना फिंगर टच करोगे वैसे ही आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप रेडमी नोट 12 प्रो प्लस मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।